हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डे टू हम लोग मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अपनी जितनी भी बोर्डिंग चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह है, माय इमिग्रेशन जो भी होता है वो हम सब कुछ करा चुके हैं। सो अभी हम लोग चेक इन कराने के बाद मुंबई ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं, जस्ट अभी फ्री हुए हैं। सो हमारी फ़्लाइट जो है वो 10:40 की है। सो अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ 8:40, सो वी हैव ऑलमोस्ट 2 आवर्स। सो बोर्डिंग जो स्टार्ट होएगा दैट विल स्टार्ट अराउंड 10 o'clock। सो भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सो अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सो विल हैव ब्रेकफास्ट, थोड़ा ड्यूटी फ्री पे घूमेंगे, वैसे तो अभी कुछ शॉपिंग नहीं करेंगे, जब वापस आएंगे तब हम ड्यूटी फ्री से कुछ शॉपिंग करेंगे। अभी बेफालतू में लगेज नहीं बढ़ाना है क्योंकि वापस यहीं पर ही आना है, सो वी कैन शॉप फ्रॉम हेयर। सो आप मेरे पीछे से देख सकते हो, दिस इज़ ऑल ड्यूटी फ्री शॉप्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। कैफेज वगैरह हैं और जेट हर एक ब्रांड, आपको जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया उसको पता ही ड्यूटी फ्री में क्या होता है। सो सेम वैसा ही है जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। शॉप को सब ऑप्शंस शॉपिंग के यहाँ पर मिल जाएंगे, हर एक ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। सो बहुत टाइम है, टाइम पास ही करना है, पर मुंबई में बहुत ही अच्छा हमारा कल का दिन रहा और रात को आराम से हम लोग ने स्टे, मतलब चाची के यहाँ पर स्टे किया था तो प्रॉपर रेस्ट भी मिल गया। इनिशियली हमारी फ़्लाइट जो थी वो 2-3 बजे कल फ्लाई कर जानी चाहिए थी रात को, मतलब बट वो डिले हो गया और हमारा डिपार्चर हो गया 10:20 समथिंग। फिर हमारा डिपार्चर और 20 मिनट्स डिले हो गया तो वो अब हो गया 10:40। होपफुली आपने चेक किया है एयरलाइन से, अब फ्लाइट बिल्कुल टाइम है। देयर वाज सम टेक्निकल इशू जो कि अब ठीक हो चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द फ्लाइट गॉट डिले। होपफुली नाउ एवरीथिंग रिमेन्स फाइन एंड वी रीचेस आवर डेस्टिनेशन साउंडिंग्स। हम लोग चेक इन वगैरह करने के बाद, थोड़ा घूमने उमने के बाद अपन लोग यहाँ लाउंज में आ गए थे। सो वी हैड सम ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अभी इट्स 9:42 एंड आवर फ्लाइट इज़ एट 10:40, सो वी हैव ऑलमोस्ट हाफ एन आवर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, खाने पीने के बाद। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट करें और दिस इज़ दी लाउंज, यहाँ पे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे है। सो वी हैड दी HDFC कार्ड जिसपे मतलब थोड़ा बहुत मिनिमल अमाउंट चार्ज होता है, उसके बाद मतलब यू कैन एक्सेस इट। तो हमारे पास 2 HDFC के कार्ड्स थे, मास्टर कार्ड मेस्ट्रो कार्ड चलता है यहाँ पर। सो मिनिमम अमाउंट पे करो एंड देन यू कैन एक्सेस दिस लाउंज। सो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है या मेस्ट्रो कार्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बट है तो आप इजली से बहुत मिनिमम अमाउंट दे सकते। आई थिंक इट वॉज 25 रुपीज़ जो हमारे पर कार्ड डेबिट हुआ है। सो 25 रुपीज़ पर मतलब 50 रुपये में आपको खाना पीना मिल रहा है और आराम से रेस्ट करने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, मैंने आपके साथ क्लिप में शेयर भी किया है हाउ द लाउंज लुक्स। सो आई टेक सम रेस्ट नाउ। फ्रेंड्स हम लोग लैंड कर चुके हैं, इट्स 5:45 यहाँ का टाइम, नहीं इंडिया का टाइम है ना 5:45, ये इंडिया का 5:45 है। तो हम जहाँ पे हैं दैट इज़ दी डेस्टिनेशन इज़ मॉरिशियस, जहाँ पे हम अपने वेकेशंस के लिए आए हैं। फाइनली वी रीच्ड और ये इंडिया टाइम से 1.5 घंटा आगे है। तो इंडिया में कितना बज रहा होगा?
4:15 इंडिया में बज रहा होगा अभी 4:15, सो वी हैव रीच्ड। बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस था यहाँ पे फॉर टेकिंग द वीज़ा, सो वो 5 मिनट लगा। सो वी आर डन विद टेकिंग आवर वीज़ा फॉर्मेलिटीज़। और एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मतलब कहीं से इंडिया से फिल करके लाना होता है, बस आपको उसको यहाँ पे दिखाना होता है टू दी अथॉरिटीज एंड यू आर गुड टू गो। सो इट हार्डली टेक्स 4 to 5 मिनट्स फॉर कम्प्लीटिंग दी फॉर्मेलिटीज। अब अभी हम बैगेज कलेक्ट करने के लिए आए हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं बैगेज कलेक्ट करने के लिए आए हैं एंड वेरी वेरी यहाँ पे हाँ फिर रियली रियली एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आफ्टर 3 years इट्स माई आफ्टर कोरोना इट्स माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। कोरोना से पहले हुई इंटरनेशनल ट्रिप, उसके बाद तो कोई इंटरनेशनल ट्रिप हुई नहीं, डर के हमारे घर से बाहर ही नहीं निकले। लास्ट ईयर गए थे छोटी सी वेकेशन के लिए गोवा, बट इंटरनेशनल ट्रिप ये फर्स्ट है आफ्टर कोरोना। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, होपफुली सब अच्छे से जाए और खूब इन्जॉय करें। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ बैगेज क्लिक करने के बाद। सो वैन वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम दी एयरपोर्ट, हमारे साथ हमारी कैब मतलब कैब कह लो जो भी ड्रॉप है फ्रॉम दी होटल टू दी फ्रॉम दी एयरपोर्ट टू दी होटल वो मतलब 4 कपल्स का था। तो उन्होंने मतलब जैसे हमारी टेम्पो ट्रैवलर होती है, टेम्पो ट्रैवलर से बेटर मतलब कंडीशन बेटर मतलब कार कह लो मिनी बस कह सकते हो। सो वी 4 कपल्स जिनका मतलब जैसे जैसे होटल आया जैसे ड्रॉप होता रहेगा। सो एक कपल बहुत ही ज़्यादा लेट आया, तो हमको ऑलमोस्ट वाला एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करने के बाद वेट करना पड़ा। सो हम अभी जस्ट निकले हैं, छोटे कोटर कुछ खा लिया था, पिज्ज़ा खा लिया एयरपोर्ट पर, बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री। मेरे को फ्लाइट पर खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सो आई हैड समथिंग एट द एयरपोर्ट पिज्ज़ा। So we are now just leaving from the airport and our hotel in which we are staying is Lee Meridian, La Meridian, उस तरीके से भी आप बोलते हैं। सो वो यहाँ से एयरपोर्ट से इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 hour 20 minutes फ्रॉम द एयरपोर्ट। Please, itinerary in hand. As from tomorrow, your tour is done. Guys, listen to me, please. I humbly request you, please, the time what you have on your itinerary, at least 10 minutes before, wait for the boat at the lobby. Neither the guide or the driver have your numbers. Okay, we don't have your numbers. It will be difficult for us to look for you. Because you have your pickup, we proceed to first destination, which is a Chinese tea factory shops. Okay, one. You have a different variety of tea. Okay, you can buy. It is also a museum inside. They will guide you. Okay? And the black tea, red tea. And they will make you taste as well. Okay? The different type of tea, what they have, they will do. Okay? It is approximately 45 minutes you will spend here. Then after this, you proceed to Akra Vasikhan, which is a World Heritage site. Named by the UNESCO. Akra Vasikhan, this is a place where actually see most of the multicultural country, major community is Hinduism. So friends, हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और बज रहा है इस टाइम 6:52 मतलब 7 बज गए हैं। और यहाँ पे अभी हमें पता चला है यहाँ पे नाइट लाइफ मतलब वीकडेज पे बिल्कुल भी नहीं होती। नाइट लाइफ जो है यहाँ पे वो फ्राइडे और सैटरडे को होती है सिर्फ, बाकी दिन यहाँ पे कोई नाइट लाइफ नहीं है। आफ्टर लाइक आफ्टर द सनसेट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप अपने होटल से बाहर जाओ, मे बी बिकॉज ऑफ द सेफ्टी रीज़न जो भी है। तो मतलब जो भी करना है, अगर आप अकेले कहीं भी जा रहे हो अपार्ट फ्रॉम द टूर यू हैव टेकन, यू शुड गो विद दी यू शुड गो ड्यूरिंग द डे टाइम, नॉट ड्यूरिंग दी लाइक नॉट आफ्टर द सनसेट यू शुड लीव योर होटल। सो ये हमारे कोच के जो इंस्ट्रक्टर थे या जो भी आप कह सकते हो उन्होंने हमें बोला है। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द होटल एंड होटल इज़ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई जस्ट शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा।
तो आई थिंक दिस इज़ द पूम साइड, ये है पूम साइड और सामने बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, सामने बीच, ये होटल का अपना बीच है सामने, अगर आपको दिख रहा होगा। मैं कल मॉर्निंग में या जब भी मुझे टाइम मिलेगा डे लाइट के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है कि आप बीच का व्यू लेते हैं, यहाँ पे बैठ जाओ एंड दिस इज द रिसेप्शन ऑफ द होटल। अभी हमें अपना चेक इन फेस पूरा फॉर्मेलिटीज करना है और शाम के टाइम पे, मतलब इस टाइम मुझे ठंड लग रही है, मतलब इट्स विंडी, मतलब बीच के पास है, मतलब सी के पास है तो ऑब्वियसली ठंडा होना है, तो अभी ठंडा है। अब दिन में पता चलेगा दिन में कैसा है। बहुत ज़्यादा ठंडे कपड़े लेके नहीं आए मैं, तो गर्मियों के कपड़े लेके आए हैं, थॉट हल्का फुल्का ही ठंड होगा, लेट्स सी कैसा रहता है। अभी चेक इन फैसिलिटीज़ करते हैं फिर मैं आपको अपना रूम की दिखाऊंगी जब हम रूम में पहुँचते हैं। चेक इन की फॉर्मेलिटी सारी हो चुकी है, सब हमें ये वार्म टॉवल्स मिले हैं टू फ्रेशन अप, ले सकते हैं, मुँह की सारी डस्ट थकान जो सारी ताकि थी। एंड दिस इज दी वेलकम ड्रिंक, चेयर्स टू मी। तो अभी हमें सारी डिटेल्स बता दी गई, अभी हमने डिनर के लिए यहाँ पे इसी होटल में, देर इज़ अ इंडियन रेस्टोरेंट सो हम लोग उसके लिए ट्राई करें अगर हमें उसमें मिल जाएगी, अदरवाइज हमें फिर जो बाकी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे चार पांच रेस्टोरेंट्स हैं सो उसमें से आप किसी में भी ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं, हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। और लंच के लिए हमें अलग से जो भी हमें पे करना पड़ेगा, बट ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज़ इंक्लूडेड इन आर पैकेज एंड वी कैन हैव इट इन एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स विद द रिजर्वेशन। सो अब हम रूम में जाएंगे तो आपको, आप लोगों को अपना रूम भी दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड ये हमारा रूम है, रूम नंबर 408, और ये मतलब आप कह सकते हो बाहर क्या बोलेंगे, वरांडा बालकनी, बाहर की बालकनी है ये, पूरा ऐसे लाइट वगैरह है और यहाँ पे बैठने का है, आराम से काउच वगैरह है, आराम से बैठ सकते हो। एंड ये इधर स्विमिंग पूल भी है बाहर और बीच तो सामने है ही। और ये है मेन गेट, फिर इसको एंटर करते ही हमारा शुरू होता है ये जो है, ये दिस इज़ दी बार, मिनी बार। सो फिर यहाँ पे, फिर देखिए इसको क्लोज करना, फिर यहाँ पे सुंदर सी लैम्प बोलो लाइट बोलो रखी हुई है, फिर एक बहुत ही अच्छा सा ये काउच है, ये एक सेंटर टेबल है, ये एक और सामने सिटिंग चेयर है, ये इस रूम का टीवी आप ऐसे बोल सकते हैं, ड्राइंग रूम है, सिटिंग रूम टाइप का है। और ये ऐसा ब्यूटीफुल सा फैन है, बहुत ही अमेजिंग सा, सामने बहुत ही अच्छे से फ्रेम्स लगे हुए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से, और एक प्यारी सी यहाँ पे शो पीस। एंड दिस इज द ह्यूज मिरर एंड दिस इज हेयर द कॉफी सेक्शन, huge big mirror, and then we enter and here is the washroom, very neat and clean, very beautiful. This is me and ye aap dekh sakte ho pura yahan pe ye the beautiful si tile hai, I really love the color of tile. And this is the toilet and then we move ahead, this is the huge mirror like from top to bottom, even more than that. And this is the wardrobe like a locker wagera, sliding door hai, yahan pe bhi aisa proper pura mirror diya hua hai. And this is again the drawer, the big drawer. So we have आयरन हेयर, यहाँ पे प्रेस करने के लिए भी है, बाथरूम वगैरह भी दे रखे हैं, यहाँ पे हम अपना सूटकेस वगैरह सजाएंगे। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज द बेडरूम, दिस इज आवर रूम। सो ये बेसिकली स्वीट रूम है, इस बेडरूम में भी अपना टीवी है और ये ब्यूटीफुल सा फैन है, ब्यूटीफुल से कर्टन है और ये साइड बड़ी सी टेबल है एंड द ब्यूटिफुल बेड। और ये इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, ये हैट दिया है टिक, मेरिडियन, ला मेरिडियन जो भी आप बोलते हैं,
सो ये हैट दिया गया है, बाकी इसमें कुछ लेटर लिखा गया है, और ये एक स्टॉल दिया है इन्होंने मेरे लिए और दी लेडीज एंड ब्यूटीफुल शोपीस, बहुत ही अच्छा सा। एंड यहाँ पे भी मिरर, मतलब मिरर बहुत जगह अवेलेबल है, आप तो अपने आप को दिन भर देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ठीक है। ये साइड टेबल है एंड दिस इज अगेन दी वॉशरूम, द वॉशरूम क्या बोलेंगे इसको, बाथ एरिया। सो दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी बिग वेरी ब्यूटिफुल, यहाँ पे भी मिरर है पूरे से, ये यहाँ पे ये दो दो बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं। वॉश सिंक बोलेंगे, सिंक है ना, ये सिंक है और ये मिरर अगेन मिरर मिरर मिरर, सो मेनी मिरर्स एंड दिस इज द बाथटब। सो और ये पूरा ना यहाँ पे कुछ ऐसा मैप जैसा बना हुआ है, ये ग्लास में पता नहीं क्या मैप बना हुआ है बट समथिंग मैप बना हुआ है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बाथ एरिया है और ये डोर जो कि आप इतनी देख, ये भी है, ये डोर है, इस डोर को खोल के आपको फिर से एक वॉशरूम मिल जाता है जहाँ पे आप शार कर सकते हो, यहाँ पे अपना बाथटब में टाइम स्पेंड करने के बाद आप ये यहाँ पे आके आप नहा सकते हो। सो मतलब इट्स अ वेरी बिग रूम, मतलब ये मेरा आज तक का बेस्ट स्टे होगा किसी होटल में। मतलब मैं बाली गई थी, वहाँ पे भी हम काफ़ी अच्छे होटल में रुके थे सेमनियाक में, वो डबल स्टोरी था और उसमें भी पर्सनलाइज पूल था और मतलब ऐसी ड्राइंग रूम टाइप का सिटिंग एरिया था, बट ये बहुत ही बेटर है उस, मतलब ली मेरे लिए ने फाइव स्टार प्रॉपर्टी का थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है। एंड दिस इज़ द बैक डोर विच इज़ फ्रॉम आर बेडरूम, खोलने की कोशिश करते हैं, खुल नहीं रहा, खुल गया, अच्छा हम गलत खोल रहे थे। एंड दिस इज़ दी प्लंज पूल स्पेसिफिकली फॉर अस, मतलब हमारे पर्सनली यूज़ करने के लिए, पानी ठंडा है। सो ये मतलब अगर आप स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पूल में यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं नहाने के लिए भी, बाथ टब में नहाओ, वॉशरूम में नहाओ, आगे वॉशरूम में नहाओ या पूल में नहाओ। एंड दिस इज़ दी गार्डन, ये पीछे पूरा गार्डन है एंड होटल इज़ वेरी बिग वेरी बिग, यहाँ पे भी ऐसा सिटिंग दे रखा है एंड देयर इज अ टेबल। सो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी आ रही है हवा, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ना लाइटिंग के भी बहुत अच्छे से सिस्टम है, ये ना सब सेंसर बेस्ड है, ये देखो DND, ये क्लीनिंग के लिए, ये सीलिंग लाइट, नाइट लाइट, मास्टर पेंडेंट लाइट, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं और ये हर जगह पे ना ऐसे ऐसे इन्होंने लाइट के ऑप्शंस दे रखे हैं। और ये हमारे बेडरूम का टीवी, शायद मैंने आपको दिखा दिया होगा, बड़ा सा टीवी, ये इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे ये सब ना, ये क्या बोलते हैं इसको प्रतीक, सेंसर बेस्ड है ये। और ये हमारा, मैंने आपको दिखाया था बाथटब एरिया एंड ये कवर्ड एरिया, मतलब ये तो पूरा एक ना मतलब घर जैसा हो गया। ये भी यहाँ पे आप देखोगे, ये भी सब सेंसर बेस्ड है, दीज आर ऑल सेंसर बेस्ड। इसकी टाइल्स बहुत ही सुंदर है वॉशरूम की, तो यहाँ पे इन्होंने हर रूम के लिए सेंसर बेस्ड ये दे रखा है, एसी वीसी लाइट वाइट स्विच विच जो भी आपको करना हो आप इससे कर सकते हो। सो दैट्स इट, दिस इज द रूम एंड हमने डिनर इंडियन रेस्टोरेंट में बुक कर दिया। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट का नाम क्या है, क्यूमिन, सो वो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट अवेलेबल है होटल के अंदर। होटल के अंदर 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं, सो इटालियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इंडियन भी है, एक में मिक्स है। सो आपको बस रिजर्वेशन कराना पड़ेगा जिसमें भी आप खाना चाहते हो। सो आई होप आपको ये रूम अच्छा लगा हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। अगर आप मॉरिशियस आ रहे हैं और किसी अच्छे होटल में स्टे करना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ली मेरिडियन, ला मेरिडियन में ज़रूर स्टे करें। सो अब चल, अब थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं, बहुत थक गए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अब लोग हम डिनर करने के लिए आगे, तो अभी बच रहे हैं ऑलमोस्ट 10 o'clock से भी ज़्यादा ही बच रहे होंगे। सो हम लोग रूम पर आने के बाद हम लोग फ्रेश हुए, नहाए धोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा, एक तो करोना ऊपर से ट्रैवल करो तो ऐसा लगता है कि आने के बाद क्लीन करो अपना, नहाओ धो। सो हमने अच्छे से नहाया
और फिर उसके बाद हम आए खाने के लिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, मतलब आपको होटल से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इतना कुछ खाने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटीज़, इतना सब कुछ होटल के अंदर है। तो अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे क्योंकि मैं दो दिन से ना कुछ भी प्रॉपर खाना, मतलब इंडियन खाना नहीं खा पाई, तो मेरे को प्रॉपर इंडियन खाने की ऐसी क्रेविंग हो रही थी। सो हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में आए थे और यहाँ के इस जो ली मेरिडियन में, ला मेरिडियन में जो भी जो इंडियन रेस्टोरेंट है उसका नाम क्यूमीन है ना, क्यूमीन है। सो यहाँ पे आपको वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमारा जो डिनर है और ब्रेकफास्ट है वो मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि हमारे इसी पैकेज में, मतलब जो होटल का हमने जो पैकेज लिया था उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। तो हम ब्रेकफास्ट और डिनर जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं हम उसमें किसी में भी जाके कर सकते हैं, और बस हमें रिजर्वेशन करना होता है, रिसेप्शन पर पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया। सर्विस थोड़ी सी स्लो है बट अब खाना खा के देखते हैं कि कैसा है। अभी हमने जो है स्टार्टर्स मंगाया है, तो स्टार्टर्स मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये स्टार्टर आया है अभी अभी, ये मैंने अपने लिए मंगाया है पनीर टिक्का, और प्रतीक ने अपने लिए मंगाया है हरा भरा कबाब, और ये अभी ये आए हैं पापड़। सो हम टेस्ट करके देखते हैं, बहुत टेस्ट से भूख लगती है। जब मेन कोर्स आएगा मैं वो भी दिखाऊँगी कि हमने क्या ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया अपने लिए चीज़ नान, छोले, स्टीम राइस, और ये क्या है, भिंडी भिंडी, और सैलड। हमारा भी सैलड हम ऑर्डर करने वाले हैं, सैलड आने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर फॉर द डिनर। गाइस वी हैव ऑर्डर्ड डिज़र्ट फॉर आवरसेल्फ एंड वी ऑर्डर्ड, मैंने अपने लिए ऑर्डर किया गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, जिसमें मैं आइसक्रीम नहीं खाने वाली क्योंकि मुझे वैसे ही ज़्यादा ठंड लग रही है। सो आई हैव गुलाब जामुन, और प्रतीक ने अपने लिए ऑर्डर किया है रसमलाई विद गुलाब जामुन। सो हम खाएंगे गुलाब जामुन, क्योंकि मैं तो बहुत गरम गरम चीज़ खाने का मन कर रहा है, इतनी ठंड लग रही है। तो नहा के ऊपर से यहाँ बीच के पास मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। सो आई हैव माय गुलाब जामुन। फ्रेंड्स हम लोग अभी डिनर करके आ चुके थे, अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और अब बहुत ज़्यादा थकान हुई है क्योंकि कल भी हम सुबह जल्दी उठे थे, हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे की, तो हमें जल्दी उठना पड़ा। हम 7-7 बजे हम घर से निकल गए थे कल भी, और आज भी मतलब हमें जल्दी निकलना था, तो हम आज भी घर से 7:15 बजे तक निकल गए थे। तो नींद जो है पूरी नहीं हो पा रही, और करा तो ढंग से नींद ही नहीं आई, क्योंकि हम नई जगह जाते हो तो आपको नींद ही नहीं आती है, तो थकान हो रही है। विल ट्राई एंड स्लीप ऑन टाइम टुडे, होपफुली ढंग से नींद आ जाए, फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि मुझे नई जगह पर जाके ना नींद नहीं आती, 1-2 दिन मुझे सेटल होने में लगते हैं, तब तक जाने की बारी आ जाती है। सो That's it for today's vlog. I hope you have enjoyed the vlog with us. Must have enjoyed Mauritius with us. अभी तो स्टार्ट हुआ है बट जितना भी हमने enjoy किया वो आप लोगों ने भी हमारे साथ enjoy किया हो। So good night for today and see you tomorrow. हमें उस कल सुबह जल्दी उठना है, कल हमारा tour है plan. कहाँ का है प्रीति? North side का plan है कुछ। सो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी जो भी हम लोग वहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, हमारे लिए भी मतलब उन्होंने एक्सप्लेन तो किया बट बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया। सो कल जाएंगे देखेंगे खुद से कि क्या है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, अगर आपको हमारे साथ मॉरिशियस घूमना है, और आप भी प्लान कर सकते हैं, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा हमारे मतलब वीडियो के थ्रू। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे, सो सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।